सब लोग बहुत परेशान हैं देश और दुनिया में, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। कई राज्यों में, कई यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है, कहीं पर एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन पैदा हुआ हुआ है देश भर में। हम लोगों ने शुरुआत करी है #speakupforstudents, ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए एक समान राष्ट्र नीति बने, एक नेशनल पॉलिसी बने, क्योंकि जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है उससे लोगों का फ्यूचर और बच्चों का भविष्य एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर लग चुका है। हम चाहते हैं कि लोगों के, बच्चों के जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं, रिजल्ट्स और उनका जो परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर उनको आगे पास किया जाए। इस मुहिम में जुड़िए, स्पीक अप स्टूडेंट्स जो हमारा एक हैशटैग है उसमें शामिल होइए, ताकि हम लोगों का, बच्चों का, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। धन्यवाद। कोरोना और लंबा लॉकडाउन के वजह से सारे देश में जो हालत तैयार हुआ, इसके लिए NSY ने जो कैंपेन शुरू किया, हमारे सारे विद्यार्थी छात्रों का फीस माफ करना चाहिए और बिना परीक्षा सारे विद्यार्थियों को प्रमोशन देना चाहिए। NSY का ये कैंपेन को मैं पूरा दिल से समर्थन करता हूं। सरकार और अथॉरिटी से निवेदन करता हूं, छात्रा समाज के ये निवेदन, ये दावे मान ले, ये सरकार से मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा। IITs ने, कॉलेजेस ने एग्जाम्स कैंसिल करके बच्चों को प्रमोट किया है, UGC कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, UGC को भी एग्जाम्स कैंसिल करके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। धन्यवाद। की जरूरत है कि छात्रों को इस मेंटल स्ट्रेस से बचाया जाए और उसके लिए सरकार जो है छात्रों को पास घोषित करे और आगे के लिए उनकी पढ़ाई विधिवत हो सके उसकी अभी से पूरी व्यवस्था करने का काम करे। तो मैं अपने सहयोगी साथियों सबसे कहता हूँ, प्लीज स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स। पूरे देश में आज कोविड का प्रकोप है, जनजीवन अस्ता व्यस्त है, लोग परेशान है, दिन ब दिन जो पेशेंट्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, सभी जगह पर पेशेंट्स हैं, लोग परेशान हैं और ऐसी परेशानी की हालत में अभी तक पीक भी इसका आया नहीं है, हर रोज संख्या बढ़ते जा रही है। तो ऐसी हालत में UGC द्वारा परीक्षा लेने का जो निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। 2 महीने के बाद कोई कह रहा है सितंबर में पीक आएगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में पीक आएगा, कोई कह रहा है नवंबर में पीक आएगा। तो आप उस समय पर परीक्षा लेना चाह रहे हो जब पूरे देश में सब जगह पर कोरोना फैला होगा, क्या हमारे छात्रों को, छात्राओं के जो जीवन है उसको हम कहीं ना कहीं डेंजर में डालना चाह रहे हैं? हमारा उनका एक साल का एकेडमिक ईयर क्यों हम खराब करना चाह रहे हैं? उनको एग्रीगेट मार्क देकर उनको आगे काम के लिए उनको हम मौका दें। मेरी UGC से अपील रहेगी, मेरी इस मोदी सरकार से अपील रहेगी कि आप छात्रों के भविष्य के साथ मत खेलिए, छात्रों के हक के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। छात्रों के लिए एग्जाम की जरूरत नहीं है, उनको एग्रीगेट मार्क देकर आने वाले समय में उनका भविष्य सिक्योर करने की जरूरत है। मोदी सरकार कम से कम इसमें तो कांग्रेस पार्टी की बात सुने, ऐसी मेरी मोदी सरकार से विनती है। छात्रों के जीवन के साथ हम मोदी सरकार को खेलने नहीं देंगे। कोरोना फैल गया तो आपने जिम्मेवारी लेगा, कोरोना के चपट में छात्र लोग आएगा तो कौन पूछेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन है? सरकार को समझना चाहिए, जल्दी से जल्दी आप इस गाइडलाइंस को कैंसिल करके 6 महीने तक कोई फीस नहीं लेना, कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करना, आपके पास पुराना जो भी रिकॉर्ड है छात्रों का उसके आधार पर, ऐसे ही नहीं कह रहे हमने किसी को आपने पास करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, उनका पिछले रिकॉर्ड लेके उसके आधार पे छात्र लोग को आपको प्रमोशन करना पड़ेगा और 6 महीने तो कोई फीस नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुका है। 4 महीने से इस देश का आर्थिक स्थिति क्या हो चुका है, कोरोना महामारी से किसी के पास पैसा नहीं है, कैसे कैसे लोग जिया है हम जानते हैं। जो उत्तर